एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, जिसका भी फॉरहेड भी छोटा होता है, स्मॉल फॉरहेड के लिए हेयर स्टाइल और आइडियाज़ बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जिसका भी फॉरहेड बहुत छोटा है, फेस छोटा है, ये सारे हेयर स्टाइल उन लोगों पर बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरीके के अमेजिंग वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो सबसे पहला टिप्स, तो जैसे कि अगर आपका फॉरहेड बहुत ही शॉर्ट है, तो सबसे पहले आपको कभी भी शॉर्ट बैंग्स नहीं कट कराना है, ओके? क्योंकि मेरा फॉरहेड इतना शॉर्ट नहीं है, मेरा मीडियम है। तो जिसका भी बहुत शॉर्ट फॉरहेड है, तो आपको बैंग्स कट नहीं कराना है। आप लॉन्ग लेयर रख सकते हो साइड से, और जब आप लेयर निकालते हो तो फुल ऊपर से नहीं निकालोगे, आप ये कान के पास से लेयर निकालोगे हेयर स्टाइल में, ओके? तो चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल बता देती हूँ कि छोटे फॉरहेड के साथ आपको किस टाइप का हेयर स्टाइल करना चाहिए। सारे फ्रंट हेयर स्टाइल हैं शॉर्ट फॉरहेड के साथ, चौड़े माथे के लिए, राउंड फेस के लिए, लॉन्ग फेस के लिए, ऑल टाइप्स फेस सेमिंग के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल मेरे चैनल पे है। और जिसका भी शॉर्ट फॉरहेड है, उसको सबसे पहले पफ वाला हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। पफ वाला हेयर स्टाइल आप पे काफ़ी सूट करेगा अगर आपका फॉरहेड बहुत छोटा है तो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपका जो भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो, उससे आपका फॉरहेड कवर ना हो, ढके ना हो, ओके? तो आप पहले हेयर स्टाइल को इस तरीके से सिंपल सा पफ बना सकते हो, देन साइड से लेयर्स निकाल सकते हो। इसमें आप जो भी क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो, छोटे फॉरहेड वाली गर्ल्स। आपको सिर्फ ईयर के पास से लेयर्स निकालने हैं, पूरा यहाँ से नहीं निकालना है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से आप ट्विस्ट करके हेयर को हल्का हल्का खींच लीजिए, ताकि इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाए इस टाइप से। और इसको अपने बैक में जहाँ पे आपने पफ बनाया है वहीं पे अटैच कर दो। मेरे पे ये सूट करे ना करे उस पर आप मत जाइएगा। आप जिसका भी शॉर्ट फॉरहेड है, छोटा फॉरहेड है, उन पे डेफिनेटली सूट करेगा, एकदम अच्छे से बहुत अच्छा लगेगा। मेरा फॉरहेड इतना ज़्यादा छोटा नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट हेयर स्टाइल छोटे फॉरहेड की लड़कियों के लिए। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आप साइड से मांग ले सकते हो, सिंपली आप इसको ट्विस्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, बस आप छोटे फॉरहेड पे ही सारे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बैक में आप पोनी, जूड़ा, बन, लो बन, हाई बन, जो भी मन करे वो आप बना सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ फ्रंट का हेयर स्टाइल बता रही हूँ। इस तरीके से लेना है, हल्का सा पफ का लुक दे देना है और यहाँ से लेयर्स निकाल देना, ओके? तो ये हमारा हो गया सेकेंड हेयर स्टाइल फॉर शॉर्ट फॉरहेड, ओके? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आपके फॉरहेड ढके ना, ओके? चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तीसरे हेयर स्टाइल में आप बीच मांग से बना सकते हो। बीच मांग से हेयर लेने हैं, देन आपको यहाँ से इस तरीके से उठाना है हेयर को, हल्का सा ट्विस्ट करना है और आगे की तरफ पुल कर देना है। तो ये हो गया थर्ड हेयर स्टाइल, बहुत ही सिंपल इजी तरीके से आप ये सारे हेयर स्टाइल छोटे माथे की लड़कियों पे बना सकते हो।
चौथे हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। चौथे हेयर स्टाइल में आपको अपने क्राउन एरिया से थोड़ा सा हेयर ले लेना है, अच्छे से कॉम कर देना है, हल्का सा पफ का लुक दे दोगे। ये हेयर स्टाइल में हो सकता है कि मैंने पहले भी बताए हों, लेकिन आज मुझे छोटे माथे की छोटे फोरहेड के लिए हेयर स्टाइल बताना है, तो उसके लिए मैं ये सारे हेयर स्टाइल आपको बता, ये सारे हेयर स्टाइल छोटे माथे की लड़की पर बना सकते हो। इस तरीके से पफ बना देना है और साइड से आप इस तरीके से हेयर लेके जाओ। ओके, यहाँ पे आप सिंपली इसको टिक टिक क्लिप से सेट कर दो। ये वाला काफ़ी अच्छा है, पार्टी में शादी में भी बना सकते हो आप ये वाला हेयर स्टाइल। अगर आपका बहुत शॉर्ट फोरहेड है और आप टेंस्ड रहते हो कि कैसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा शादी पार्टी के लिए। सिर्फ फ्रंट हेयर स्टाइल बता रही हूँ, बैक का नहीं बता रही। बैक के अमेजिंग बन हेयर स्टाइल मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेकअप जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। पाँचवें हेयर स्टाइल में आपको सिंपली ये वाला बहुत ज़्यादा एक बार ट्रेंड में आया था ये हेयर स्टाइल, जो कि छोटी माथों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। बैक में आप हाई पोनी बना सकते हैं, लो पोनी बना सकते हैं, पोनी को हेयर से कवर कर दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। छठे हेयर स्टाइल भी मैं साइड मांगते होगा, साइड पार्टिंग से यहाँ से आपको थोड़ा सा हेयर ले लेना है। बहुत ही इजी इजी स्टेप बताती हूँ मैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से बना लो हेयर स्टाइल। यहाँ पे क्लिप से इसको सेट कर देना है। इस तरीके से अच्छा ना लगे तो आप यहाँ पे भी ट्विस्टिंग कर सकते हो या फिर ब्राइड बना सकते हो। मेरे पे ये सूट कर रहा है, मुझ पे नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये छोटे माथे की लड़कियों के लिए हेयर स्टाइल है, उनपे बहुत सूट करेगा। इस साइड में आपको ऐसे बना लेना है। तो ये हो गया सातवां हेयर स्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको पसंद आया वो वीडियो, और छोटे माथे की जिनका भी छोटा माता है उनको ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी कोई आपको हेयर स्टाइल में दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस टाइप की वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।